हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण तिवारी निर्णय एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टेट के पर्पस से वीडियो लगातार आपके पास जा रहे होंगे। एग्ज़ाम दूर है, बट आपको गंभीर होकर के अभी से लगे रहना होगा। आज देखिए, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कम से कम दो वीडियो आपके पास इस टॉपिक पे जाएंगे और वो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, यानी एक पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टॉपिक आप ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि पर्यावरण प्रदूषण कहते किसे हैं। तो सबसे पहले इसको हमें समझा जाए कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का तात्पर्य होगा जो स्थल मंडल है, जल मंडल है, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। जैव मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल ही आपका है। यानी इस धरती पर केवल दो चीजें निष्कर्ष निकलेंगी, यानी इन सभी से यानी अगर वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल की जैविक एवं अजैविक संरचना में बदलाव हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट यही है आपका। और पर्यावरण की जो संरचना है, यदि उसमें बदलाव हो जाए, पर्यावरण की कौन सी संरचना में, जैविक और अजैविक संरचना में, जैविक और अजैविक में कौन सी, तो जैविक और अजैविक में आपका मुख्यतः कौन सा, तो जैविक संरचना की। रासायनिक संरचना में, जैविक संरचना में, उसके आपका भौतिक संरचना में यदि बदलाव हो जाए तो वह पोल्यूशन कहलाएगा। कुल मिला के सिंपल सा समझिए, यानी जो ये संरचना, एनवायरमेंट की जो ये संरचना है, इसकी यदि भौतिक संरचना में, जैविक संरचना में या फिर आपका किसमें, रासायनिक संरचना में यदि बदलाव हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहा जाता है। अब यानी प्रदूषण कहते किसे हैं? तो पर्यावरण के, पर्यावरण का मतलब होलिस्टिक्स, जैविक और अजैविक दोनों। पर्यावरण की भौतिक संरचना में, रासायनिक संरचना में एवं जैविक संरचना में बदलाव या परिवर्तन को ही पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है दो कारणों से, उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें, तो पहला जो फैक्टर्स होता है वह पर्यावरण जो उत्पत्ति होगा वह प्राकृतिक कारण से होता है। तो प्राकृतिक कारण से का मतलब यह हुआ कि जैसे आपका ज्वालामुखी हो जाए, ज्वालामुखी विस्फोट से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलें और इससे जो पोल्यूशन होगा वह क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कारण से पोल्यूशन होगा। दूसरा जो उसका उत्पत्ति के आधार पर, मानव जनित कारक से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। जैसे मानव इन्वायरमेंट का जो सबसे अधिक उत्तरदायी फैक्टर है वह मानव ही पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, और मानव जनित प्रदूषण को
क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। किसे कहते हैं? मानव जनित प्रदूषण को। और मानव जनित प्रदूषण को तो क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, लेकिन मानव जनित प्रदूषक को क्या बोलते हैं, ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मानव जनित प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषक। प्रदूषक का मतलब किस जो तत्व हैं, वह मानव जनित जो तत्व है जिसके कारण से आपका प्रदूषण हो रहा है, वह क्या कहलाएगा, ह्यूमेलिन कहलाता है। यानी मानव जनित प्रदूषक को ह्यूमेलिन और मानव जनित प्रदूषण को, शब्द को ध्यान दीजिएगा, मानव जनित प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। यानी दो कारण से हो गए, पहला तो मानव जनित और दूसरा हो गया प्राकृतिक। अब अगर हम बात कर लें किस पर, कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर प्रदूषण, कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर अगर हम प्रदूषण की बात करें तो दो भागों में बंटते हैं। पहला है जैव अपघटनीय प्रदूषण और दूसरा होगा जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषण। जैव अपघटनीय प्रदूषण और जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक पूछा जा चुका है, ह्यूमेलिन पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में आते हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषण किसे कहते हैं? ऐसा प्रदूषण जो जीवाणुओं एवं कवकों के द्वारा विनष्ट कर दिया जाए उसे जैव अपघटनीय प्रदूषण कहते हैं। यानी जैव अपघटनीय प्रदूषण ऐसा प्रदूषण कहलाएगा जो क्या करे, जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक तत्वों को, प्रदूषकों को जीवाणु या क्या जीवाणुओं के द्वारा या कवकों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है उसे क्या बोलेंगे, जैव अपघटनीय प्रदूषण कहते हैं। जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषण किसे कहेंगे? ऐसा प्रदूषण जो प्रकृति के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता उसे जैव निम्न अपघटनीय प्रदूषण कहते हैं। यानी जैव अपघटनीय प्रदूषण में क्या चीजें शामिल होंगी? पहला चीज तो ये, जैव अपघटनीय में क्या क्या होगा कि ऐसा प्रदूषण जो क्या हो सके, ऐसा प्रदूषण जो क्या हो, जो कवकों एवं जीवाणुओं के द्वारा नष्ट हो जाए वह जैव अपघटनीय। उदाहरण जैसे सब्जी है, छिलका है, पुआल है, भूसी है, वाहित मल है, सीवेज है, यानी आप देखें ढेर सारा कचरा है, गोबर है, जो कचरा विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, खाद में कन्वर्ट हो जाए वह क्या कहलाएगा, जैव अपघटनीय। और ऐसा प्रदूषण जो नष्ट न हो, किसके द्वारा, कवकों एवं जीवाणुओं के द्वारा जो नष्ट न हो वह क्या कहलाएगा, जैव निम्न अपघटनीय कहलाएगा। जैसे प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, सीसा है, पारा है, आर्सेनिक है। जैव निम्न अपघटनीय में क्या क्या होंगे? तो आपका प्लास्टिक है, सीसा है, जैसे आपका क्या होगा, जैसे आपका पॉलिथीन है, पारा है, आर्सेनिक है आदि। ये तो हमने दो भागों में डिवाइड करके चीजों को देख लिया, उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर।
तो ये दो भागों में डिवाइड रहा। अब हम लोग एक एक जो इसके प्रकार हैं व प्रदूषण के प्रकार उनको हम लोग देखते हैं। अब अगर हम बात कर लें पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की, तो कौन कौन से प्रदूषण पढ़ने हैं आपको? पहला तो आपको जो तैयार करना है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तीसरा है भूमि प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण, इतने टाइप के आपको पढ़ने हैं। अब अगर हम बात कर लें एक एक पार्ट को हम लोग खोला जाए, यानी जो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है वो सारे पार्ट को पढ़ना है। अब हम लोग एक एक को खोलते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। एक वीडियो आपके पास गया होगा जिसमें आपने पूरा पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ओजोन परत के डिप्लेशन के बारे में आपने पढ़ा। यहाँ पर अगर हम बात करें वायु प्रदूषण में, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। जबकि अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है, तब उत्तर अलग हो जाएगा, तब उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कार्बन मोनो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर कंसेप्ट क्लियर रखें, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहते हैं, दमघोटू गैस भी कहते हैं। दमघोटू गैस क्यों कहा जाता है इसको, ध्यान दीजिएगा। ये जो गैस है यह आपके शरीर में अन्य गैसों की तुलना में ज्यादा तेजी से प्रवेश करता है, इसलिए क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके शरीर में नाक से जा रहा है, हवा के माध्यम से जा रहा है, कार्बन मोन जल्दी जाएगा, ये रक्त के साथ क्या करता है रिएक्शन आपका संबंध बना लेता है, और जब ये संबंध बना लेगा तो क्या हो जाएगा दम घुट जाएगा। इसीलिए कायदा जब किसी घर में अंगीठी जला दिए हो तो उसमें बच्चे को मत सुलाएं, अन्यथा दम घुट करके बच्चे की डेथ भी हो सकती है। पहले ऐसा हो जाया करता था। अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपका दम घोटू गैस। दूसरी जो आपका वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है वह है SO2 गैस, जिसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्रैकिंग गैस या स्टोन कैंसर गैस, क्रैकिंग गैस या स्टोन कैंसर गैस कहते हैं। वजह क्या है कि इस गैस की विशेषता क्या, ताजमहल पीला पड़ने का कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही है। यानी ये बड़े बड़ी जो हमारी धरोहरें हैं, हमारी जो विरासत है उसको नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का ही है। इस कारण से लगातार आपके घर के दीवारों में देखेंगे कि लगातार